नमस्कार दोस्तों, भारतीय टीम के सात ऐसे खिलाड़ी जिनके बिना T20 वर्ल्ड कप जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दोस्तों वो कौन से खिलाड़ी है सात, उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। लेकिन आप इंडियन टीम को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि इस साल T20 वर्ल्ड कप 2020 खेला जाएगा, जिसको शुरू होने में अब कुछ ही समय बचा हुआ है। यह विश्व कप 8 अक्टूबर 2020 से ऑस्ट्रेलिया के तेज पिचों पर खेला जाएगा। इसमें भाग लेने वाली टीमों ने अभी से जोरदार तैयारियां शुरू कर दी थी। इंडिया क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप के लिए अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 तलाशने में जुटी हुई है। लेकिन मित्रों, हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि सात ऐसे खिलाड़ियों के बारे में जिनके बिना यह विश्व कप जीतने का सपना अधूरा रह सकता है। तो आइए जानते हैं, सातवें खिलाड़ी है रविंद्र जडेजा। दोस्तों इंडिया क्रिकेट टीम के पास इस समय रविंद्र जडेजा से अच्छा ऑलराउंडर विकल्प कोई नहीं है। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में जडेजा बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। विश्व कप 2019 में भी इनको कम मैच खेलने का मौका मिला था, लेकिन लाजवाब प्रदर्शन किया था। फील्डिंग के मामले में जडेजा सबसे बेस्ट है, इसी वजह से T20 वर्ल्ड कप में रविंद्र जडेजा को टीम में खिलाना बेहद जरूरी है। छठे खिलाड़ी है जसप्रीत बुमराह। इंडिया क्रिकेट टीम के जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज आज तक नहीं मिला है, जो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में घातक गेंदबाजी कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह T20 क्रिकेट में शुरू और अंत के ओवरों में भी अच्छी टीम को रन बनाने का मौका नहीं देते हैं। यॉर्कर गेंद फेंकने में तो बुमराह ने शायद PhD कर रखी है। पांचवें खिलाड़ी है भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार पिछले काफ़ी समय से टीम से बाहर चल रहे हैं, लेकिन आज भी इनकी स्विंग गेंदबाजी का कोई जवाब नहीं है। खासकर T20 क्रिकेट में तो शुरू और अंत के ओवरों में भुवनेश्वर बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। इंडिया की T20 कप में इनकी जगह जरूर बनती है। चौथे खिलाड़ी हार्दिक पांड्या। इंडिया क्रिकेट टीम के पास स्पिन गेंदबाज में तो कई ऑलराउंडर क्रिकेटर शामिल है, लेकिन तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या से बेहतर ऑलराउंडर खिलाड़ी कोई नहीं है। हार्दिक पांड्या की T20 में बल्ले के साथ साथ गेंदबाजी में भी शानदार प्रदर्शन करते हैं। इनके बिना T20 वर्ल्ड कप की इंडिया क्रिकेट टीम की कल्पना करना मुश्किल होगा। तीसरे खिलाड़ी हैं महेंद्र सिंह धोनी। 2019 वर्ल्ड कप के बाद ऐसा माना जा रहा था कि पूर्व कप्तान व विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी संन्यास ले लेंगे, लेकिन धोनी ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है। ऐसे में क्रिकेट फैंस को उम्मीद है कि T20 वर्ल्ड कप टीम में महेंद्र सिंह धोनी को जरूर शामिल किया जाए। वनडे वर्ल्ड कप में धोनी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, ऐसे में T20 वर्ल्ड कप में धोनी का अनुभव व इंडिया क्रिकेट टीम के लिए काम आ सकता है। दूसरे खिलाड़ी है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा दुनिया के सबसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक है। साल 2013 के बाद रोहित ने सीमित ओवरों की क्रिकेट में इंडिया को कई एक तरफा मैच जिताए हैं। वर्ल्ड कप में भी रोहित का प्रदर्शन काफ़ी बेहतरीन रहा था। T20 विश्व कप में इंडिया क्रिकेट टीम के इनके बिना कल्पना नहीं की जा सकती है। पहले खिलाड़ी है विराट कोहली। इंडिया क्रिकेट टीम के मौजूदा कप्तान विराट कोहली दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक है। टेस्ट क्रिकेट व वनडे क्रिकेट ही नहीं बल्कि T20 क्रिकेट में विराट कोहली का बल्ला जमकर बोलता है। कप्तान बनने के बाद तो कोहली का प्रदर्शन और भी ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे में T20 वर्ल्ड कप की टीम में विराट कोहली की अहम भूमिका रहेगी। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।